आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार DLED एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए साइंस के टॉपिक विषाणु से प्रभावित होने वाले अंग, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे कि विषाणु के कारण जो है कौन कौन से शरीर प्रभावित होते हैं, कौन से रोग से कौन शरीर प्रभावित होते हैं, इसे देख लेते हैं। क्योंकि अगर यहाँ से प्रश्न एक नंबर आपसे पूछे जाएंगे तो आसानी से जो है आप कर लेंगे। इसमें टोटल मैंने 13 प्रश्न शामिल किया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वही प्रश्न को मैंने शामिल किया है। इधर उधर की बातें ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है वही आपको पढ़ाने की कोशिश है। चलते हैं प्रश्न के ऊपर। पहला यहाँ प्रश्न है कि एड्स रोग हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो देखिए, जो भी एड्स होता है ना, इसका दो प्रश्न यहाँ से इंपॉर्टेंट है। पहला कि कौन से अंग को प्रभावित करता है और एड्स रोग हो जाने के बाद कौन सी जांच की जाती है। तो देखिए, एड्स रोग अगर किसी व्यक्ति को हो जाती है तो एलिसा जाँच की जाती है। अगर यह रोग किसी को हो जाता है तो उसके जो है WBC मतलब वाइट ब्लड सेल को जो है प्रभावित करता है। अगर किसी को एड्स हो जाता है तो WBC को प्रभावित करता है। और यहाँ पर होता है WBC का कार्य क्या होता है कि वो जो है घावों से लड़ने की मदद करता है, घावों को सुखाता है या किसी भी घाव को भरने में हमारी मदद करता है। ये तीन प्रश्न यहाँ से हो गए। अगला यहाँ प्रश्न है कि डेंगू ज्वर रोग, देखिए डेंगू ज्वर जो रोग है हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। डेंगू अगर हो जाता है, ये सभी जो है विषाणु के कारण होते हैं, याद रखिएगा। एड्स रोग भी जो होता है विषाणु मतलब वायरस के कारण होता है, और यहाँ डेंगू भी जो है यह भी वायरस के कारण ही होता है, समझ गए। तो यहाँ देखिए, डेंगू जो होता है जो आपका किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये जो होता है संपूर्ण आपके शरीर को जो है प्रभावित करता है। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन आपका क्या होगा, ए हो जाएगा, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। तो अगला यहाँ पर क्या होता है, देखिए अगला यहाँ प्रश्न है कि पोलियो रोग, जो आपका पोलियो रोग है हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो किसी भी व्यक्ति को अगर पोलियो हो जाता है तो उसके जो है गला और रीढ़ की हड्डी को जो है प्रभावित करता है, और यह सब जो है विषाणु के कारण होता है। पोलियो जो होता है विषाणु के कारण होता है। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर है कि इन्फ्लुएंजा रोग किसके कारण होता है, तो विषाणु के कारण होता है। और यह जो है किस अंग को प्रभावित करता है, तो यह जो है निम्नलिखित में से जो है संपूर्ण शरीर को। अगर इन्फ्लुएंजा रोग हो जाता है तो वह पूरे शरीर को जो है प्रभावित करता है। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि चेचक रोग, देखिए यहाँ पर चेचक रोग जो होता है हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो चेचक रोग जो होता है सबसे पहले किस कारण होता है, तो बोलेंगे विषाणु के कारण। विषाणु कहने का अर्थ कि वायरस के कारण होता है। और चेचक रोग जो होता है यह हमारे शरीर के संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है कि देखिए छोटी माता रोग, जिसको चेचक रोग ही बोलते हैं, हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। छोटी माता हो गए या बड़ी माता रोग हो गए, ये दोनों रोग जो होते हैं चेचक का ही प्रकार है। और चेचक जो होता है संपूर्ण शरीर को जो है प्रभावित करता है, और यह जो होता है वायरस मतलब कि विषाणु के द्वारा जो है फैलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि गलशोध रोग हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो जो भी गलशोध रोग होता है ना, यह विषाणु के द्वारा वायरस के द्वारा फैलता है। और यह जो होता है हमारे निम्नलिखित में से जो है पैथराइड जो ग्रंथि होती है, पैराथाइड जो ग्रंथि होती है ना, उसको प्रभावित करती है। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है कि देखिए खसरा रोग जो होता है हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो खसरा रोग जो होता है हमारे शरीर को संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ट्रेकोमा रोग जो होता है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो ट्रेकोमा रोग जो होता है ना, यह जो है शरीर के आँख अंग को जो है प्रभावित करता है। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला यहाँ प्रश्न है कि पीलिया रोग, पीलिया मतलब मालूम है ना, ज्वाइंडिस होता है पीलिया। पीलिया रोग हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो पीलिया रोग जो होता है ना हमारे शरीर को यकृत को प्रभावित करता है, याद रखिएगा। अगला यहाँ प्रश्न है रेबीज रोग हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो रेबीज रोग जो होता है हमारे शरीर के निम्नलिखित में से जो है तंत्रिका तंत्र को जो है प्रभावित करता है। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है दोनों। यहाँ देखिए
आपका जो है मेनिंजाइटिस रोग जो होता है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो मेनिंजाइटिस रोग जो होता है यह मस्तिष्क शरीर को जो है प्रभावित करता है, शरीर के मस्तिष्क भाग को प्रभावित करता है, याद रखिएगा। फिर आपका जो है हर्पीज रोग, हर्पीज रोग ये नया प्रश्न है, थोड़ा अलग है। हर्पीज रोग जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो हर्पीज रोग जो होता है शरीर के त्वचा को प्रभावित करता है, तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आए होंगे, तो आप ये सभी प्रश्न को जरूर पढ़ेंगे, जरूर देखेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।